और निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उधर भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि पार्टी की तैयारी पूरी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इसके साथ ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। बीएसपी ने भी बड़ी तैयारी बैठक आज बुलाई है और उनकी भी तैयारी है कि कैसे निकाय चुनाव में ज्यादा सीटें जीते जाएं। क्या चैलेंज बीजेपी के लिए होगा? नहीं, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टी है और बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही, एक बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई 5 साल तक, तो वो उन्हें अपनी बात जनता के बीचों में रखकर अपने विचार के आधार पर अपनी पार्टी के लिए जनसमर्थन मांगना, लोगों से अपील करना उन्हें अधिकार है, बाकी जनता को निर्णय करना है। हमारी चुनौती ये है कि हम पिछली बार से बेहतर करने के संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी अपने कैंडिडेट कब तक तय करेगी निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 9 या 10 तारीख तक चुनाव घोषित हो सकते हैं? अभी आरक्षण की अनंतिम प्रकाशन हुआ है, आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई है, 1 सप्ताह या 6 दिन का इसमें आपत्ति का समय होगा और उसके बाद विभाग को इसमें अंतिम आरक्षण की सूची फाइनल करके जारी करनी है, उसके बाद आयोग को फिर चुनाव की अधिसूचना लगानी है। हमारी पूरी तैयारी है, हमारा जो नीचे का सिस्टम है वो वार्डों के प्रत्याशी, नगर पालिकाओं के प्रत्याशी, नगर पंचायतों के प्रत्याशी, मेयर के, सब पर हमारी टीम होमवर्क कर रही है और हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और प्रक्रिया में नीचे से होते हुए नाम ऊपर आते हैं, तो यहाँ मुख्यालय पे बहुत काम नहीं है जी, हमारे यहाँ एक संगठन की व्यवस्था और व्यवस्था के आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया है, उसी का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी समय रहते हुए हम वार्डों के भी, चेयरमैनों के भी और मेयर के प्रत्याशी घोषित करेंगे। ये दलित वोट बैंक को साधने में अब समाजवादी पार्टी भी जुट गई है, अखिलेश यादव कल रायबरेली जाएंगे, कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य पूरा कार्यक्रम करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का चरित्र जग जाहिर है, लोग भूले नहीं जो मायावती जी के साथ घटनाएं हुई हैं, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था, संसद में आपको जानकारी है। तो ये चुनावी प्रेम है और चुनावी प्रेम को समाज के सब वर्गों के लोग, सब लोग जानते हैं और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी जानते हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, नीचे के स्तर पर जो कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो प्रक्रिया भी शुरू होगी और जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित होगी उसके तुरंत बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।